स्वागत की तरफ ले जाने की कोशिश की गई मूवी को, कि थोड़ा कॉमेडी करना दिया जाए,
थोड़ी सुपर हीरो वाली कैटेगरी से हट रही थी मूवी, लेकिन मुझे अच्छी मज़ा आएगा। लेकिन कॉमेडी भी मूवी में ज़रूरी है क्योंकि फैमिली मूवी में जाइए, बच्चे भी आएंगे तो मुझे तो डाली बहुत सबसे बड़ी बात। PG-13 डिज्नी की मूवी है तो ऐसा तो हो नहीं है, तो इन्जॉय करोगे आप सब लोग, बिल्कुल देखने जाओ। वैसे एक बार देखने लगी मुझे ऐसे नहीं, दो तीन बार देखने एक बार देखने लगी। थैंक यू सो मच भाई। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्रिटिक के बारे में, जो कि है सुपर इंडिया से अशरफ और प्रशांत। ठीक है, दोनों को आप इन बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, तो चलिए जानते हैं उनके पर्सनल रिव्यू कि उनको ये मूवी कैसी लगी। तो वेलकम अशरफ और प्रशांत। आओ भाई, आओ उधर, आओ भाई। और कैसे हो? तो भाई मूवी कैसी लगी जी? मूवी बेसिकली एवरेज गुड मूवी है। अगर आप और के फैन हैं तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सबसे बड़ा चीज़ क्या चाहिए, फेज 3 तक जहाँ पे मेन सागा एंड हो रहा है और बस कंटिन्यू करें उसके आगे, और ओरिजिनल एवेंजर्स कंटिन्यू करता है तो हम सब खुश होते हैं। और फॉर बस कैसे भी हमारे उस ड्रीम को आगे बढ़ा, उस हिसाब से मूवी एकदम वर्थ वॉच है, सागा को आगे बढ़ा रहा है, बड़े हिट्स भी मिल रहे हैं फ्यूचर में, तो फन एंटरटेनिंग मूवी है, आप जरूर इसमें बट ट्राई करें। अच्छा, इस मूवी को देखने के बाद अशरफ, काफ़ी लोगों का सवाल था कि जो गौर की बेटी है जो कि गौर के संग बह गई, तो उसका आगे फ्यूचर क्या हो सकता है उस मूवी के बाद? आगे तो इसमें खुद दिखाया गया ना, मतलब गौर की जो बेटी है इसके बाद जेमी बॉस काम भी आ गए, प्लस और जो है उसके बाद अपना चौंक देखिए देश के आपके साथ दाखिल करवा रहा है, मतलब फाइट करने जा रहा है, तो फ्यूचर में मतलब समझ लगा लेडीज ही पहला हाल उसमें मिलेगा, हो सकती है वो अपने अन्य बिल्डिंग बने रहेगी पेट्रोल का पिकअप करेगी फ्यूचर में। अच्छा, काफ़ी लोगों का मतलब कहना था कि आने वाले टाइम में सीक्रेट वॉर लेवल टाइप की मूवी बन सकती है, तो क्या थॉर का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा या यंग एवेंजर्स की मूवी? नहीं, दोनों दोनों ऐसा लग रहा है कि हमें थॉर क्रोध में हिट मिली है, इस शायद आने वाले टाइम में सीक्रेट वॉर को सेटअप तो मतलब लग रहा है कि हाँ मूवमेंट मिला है। तो पर्सनली इनको मूवी अच्छी लगी, दोनों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करा थिएटर में, और सबसे ज़्यादा सीडी अच्छी चल पाई नहीं अच्छी अच्छी लगी, मतलब भाई एवरेज मूवी बोल रहा एवरेज पर ऑलरेडी दोनों मूवी देख चुके थे, तो सेकंड टाइम में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मूवी को इन्जॉय करा, तो थैंक यू सो मच। मूवी ज़्यादा इनको पसंद आई, और बस आप क्या कहना चाहोगे? इसके बाद आगे फिर देखेंगे, अभी भी घूमने जा रहे हैं सिर्फ। ठीक है, चलिए बुलाते हैं नेक्स्ट क्रिएटर को, और थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का। お前はもう死んでいる。何？お前は匠で生きてる。चलिए बुलाते हैं नेक्स्ट क्रिएटर को, जो कि है कैप्टन बीटू। और कैप्टन बीटू ने काफी ज्यादा इस मूवी को एंजॉय करा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहला इसका शो देख चुके थे। अब बात करते हैं उनको सेकंड शो कैसा लगा पर्सनली रिव्यू। तो वेलकम कैप्टन बीटू, आइए। तो हाउ आर यू भाई? कैसी लगी मूवी? मतलब फर्स्ट वाज ओके ओके, सेकंड मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। भले ही गौर का कैरेक्टर कॉमिक से बहुत ही ज़्यादा थोड़ा डिफरेंट था, बट जिस तरह की उसकी एंडिंग नहीं गई मुझे वो जम, बाकी अच्छा। और भी हमारे संग क्रिएटर देखने आए थे, ठीक है, सबने काफ़ी ज़्यादा मूवी को एंजॉय करा, क्योंकि सब ऑलरेडी फर्स्ट शो देख चुके थे, तो आपने फर्स्ट शो जब देखा और सेकंड शो देखने में इंटरेस्ट आया मूवी में? मुझे सेकंड हाफ को देखा, फर्स्ट हाफ मैंने कहा ना वो उतना कैप्टिवेटिंग नहीं कि पकड़ के नहीं रखता, वहाँ पर ज़्यादा कॉमेडी लगता है, मतलब कॉमेडी फोर्सफुल वाला टाइप का, और जहाँ पे लगना चाहिए सीरियस होना है वहाँ पे कोई भी चीज़ होती है ना लिमिट में, ठीक है लिमिट नहीं जमती। और सेकंड हाफ इसलिए जमा ना क्योंकि उसके जो एंड में जब दिखाया जा रहा था ना जिस क्रिएटिव वे में दिखा थी, और लिटरली सबको इसे बांट रहा था, देखा जाए ना तो इसको शॉर्ट में समझ कर जैसे हमको अभी डीपी वर्डिंग से एग्जैक्टली आती है, जैसे किसी भी कैरेक्टर आपको ऐसे देखा जाता है ना दो तीन चार फेजेज में, जिसमें से एक होता है जिसमें कैरेक्टर सीखता है, फिर इंटरनल ये होता है, तो और रैग्नारोक में वो अपने इंटरनल और वन और टू में वो सीखा कि क्या वो होता है वर्दी होना, एक राजा होना, थर्ड पार्ट में उसको वो निभा रहा था, देन ही रियलाइज कि उसके अंदर जो फुल पोटेंशियल होता है इंटरनेशनल में, तो जब कोई कैरेक्टर अपना एक उसमें भी जो एंड में रहता है थर्ड पार्ट, उसमें आपने देखा होगा जो लास्ट कैरेक्टर का रहता है वो दूसरे कैरेक्टर को होता है, जब आप कैरेक्टर को इसमें नहीं पहुँचा देते हैं कि बाकी को इन्फ्लुएंस करने लगे, तो वो चीज़ देखने में काफ़ी लगता है। इवन गौर को उसने हैंड टू हैंड या पावर बेसिस पे नहीं रखा, उसने इन्फ्लुएंस किया उसको कि देख भाई तू जो कर रहा है उससे भी बढ़ के कुछ उसका ही बढ़ के कुछ करें, भले लव कॉन्सेप्ट ऑफ लव वाला ये और ज़्यादा हो चुका है, मतलब इतना बार हो चुका है लोग इससे थोड़ा सा उठ चुके हैं, बट मुझे ये चीज़ पता। अच्छा, लव थंडर से एक चीज़ याद आई, एक जो टाइटल है लव इन थंडर है, हमने यही देखा मूवी में, बट ये लव के अलावा हमें थॉर और
थॉर का और उसके अथॉरिटी का भी थोड़ा करेक्शन देखने को मिला। तो ये मूवमेंट कैसा लगा आपको? वो सीन सबको ज़्यादा, मुझे लगता है कि हर फैन मूवमेंट को वो चीज़ अच्छी लगी होगी, वो ये मूवमेंट क्रिएट करती है। तो ओवरऑल आपको मूवी कैसी लगी? ओवरऑल फाइन है, आप कह सकते हो कि फर्स्ट हाफ थोड़ा डाउन करता है, लेकिन सेकंड हाफ मेरे को तो अपलिफ्ट करता है। मैं दूसरी बार देख रहा था कि मैं सेकंड हाफ के लिए मोस्ट वेट कर रहा था कि कब वो आएगा, कब मैं उसको एंजॉय करूंगा। तो ये सेकंड टाइम वॉचेबल मूवी है और फॉर द सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट के लिए मैं बोलूँ ना कि आप सेकंड हाफ में हो तो मैं बोला हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि उसके बाद से ही अपलिफ्ट होता है। बहुत सही, थैंक यू सो मच कैप्टन बीटू, और कैप्टन बीटू को पर्सनली मूवी बहुत अच्छी लगी, इन्होंने बहुत एंजॉय करा थिएटर में। थैंक यू सो मच। चलिए बुलाते हैं नेक्स्ट क्रिएटर को, जो कि है शिवा। इनका एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, ये ज्यादातर एनी यूट्यूबर्स के इंटरव्यूज लेते हैं और एनी मूवीज के रिव्यूज भी देते हैं। उन्होंने भी हमारे साथ ज्वाइन करा था। वेलकम शिवा, और कैसी लगी शिवा आपको मूवी? भाई बढ़िया थी मूवी। देखो मैं ज़्यादा वो डीप में बाकी क्रिएटर्स की तरह जाने नहीं चाहूँगा। ठीक है, कलर्स है, बढ़िया है, चीज़ें बढ़िया देखने को मिल रही हैं। हाँ, फॉरगेटेबल मूवी। अच्छा, मैं ये कहूँगा फॉरगेटेबल मूवी है, मतलब कि मैंने आज देखी कल भूल गया। मतलब पुरानी जो मूवीज थी उनको याद रखें। हाँ, अभी के टाइम पे जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आई, अभी 14 मूवीज फॉरगेटेबल चीज़ें बन गई हैं कि हाँ मैं उसको भूल जाऊँ। ओके, देख लिया घर जाके। तो मार्वल ने अब पॉपकॉर्न मूवी बना रहा है, पॉपकॉर्न बना रहे एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। बट ये है कि मार्वल की मूवी के साथ अब मूवीज कम्पीट कर रही है, और वो शेप मार्वल को देखना चाहिए कि अगर तुम्हारी, क्योंकि पहले मार्वल की मूवी लगती थी एक टाइम पे तो हम मतलब ऐसे सेलिब्रेट करके जाते, बट आज के टाइम पे आए हैं लोग, आए हैं देखा हमने, ठीक years later. पहला शो ये मिला तो कैसा लगा ये पहला शो? बढ़िया, और इन्जॉय किया। देखो मैंने इन्जॉय किया, मैं जितनी बोलूँगा इन्जॉयबल है मूवी, मैं ये बोलूँगा। बट वही है ना कि इसको जाने के बाद मैं घर जाने के बाद सोचूँ, मैं अभी मैंने थोड़े टाइम पहले, अब मैं यहाँ पर थोड़ा वो कर रहा हूँ कि मैंने रॉकेट ही देखी। अच्छा, मैंने रात का शो देखा था उसका, अच्छे शाम का रॉकेट ही देखी मैंने, उसके बारे में ज़्यादा सोचा। हालांकि वो मेरा दूसरा रीज़न है, साइंस का एस्पेक्ट है, वो दूसरा एस्पेक्ट है, बट रॉकेटरी के बारे में मैंने सोचा। तो वो मूवी ने मेरे को अपने बारे में सोचने में मजबूर किया। इसमें उसने ऐसी छाप छोड़ी कि भाई हमारे शिवा भाई रात भर होते रहे उसमें, पर थोर मूवी इनके ऊपर छाप ही छोड़ पा रही है। बाकी थोड़ी बहुत ही गालियाँ दिखा भी देते हैं, और थोड़ा खून खराबा तो चलता ही है, थोड़ा खून खराबा तो चलता ही है। कुल मिला के शिवा का संदेश है कि भाई डिज्नी PG-13 में ज़्यादा फोकस ना करे, और डेडपूल से शुरुआत करे आर रेटेड की, और खून करावा दिन दाड़े देखा है। ओके, थैंक यू शिवा। बेटा इधर आ जा, क्या यार, थैंक यू शिवा, और बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और शिवा को मूवी बहुत पसंद आई, इन्होंने फर्स्ट टाइम देखी पर इनको कोई छाप नहीं छोड़ पाई। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो गाइस ये थे वो उन सब क्रिएटर्स के रिव्यू। आपको कौन से क्रिएटर का रिव्यू पसंद आया कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय, जा रहा हूँ।